हेलो एवरीबॉडी, नाउ दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 11 एंड एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील विथ आवर सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग चैप्टर फर्स्ट. सो एज आई टॉट यू इन आवर प्रीवियस क्लास अबाउट द फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नाउ we are going to deal with other different concept, other further concepts of chapter first. So now we are going to distribute our whole physics into five different branches according to microscopic and macroscopic domain based. तो जैसा कि मैं आपको आपका स्क्रीन आपके स्क्रीन पर वो चीज़ दिख रही है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के लेवल पे ही फिजिक्स को, पूरे फिजिक्स को फाइव डिफरेंट ब्रांचेस में बांटा गया, जिसमें आपका सबसे पहला ब्रांच मैकेनिक्स है, दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, तीसरा ऑप्टिक्स है, चौथा थर्मोडायनामिक्स है और पांचवा आखिरी आपका मॉडर्न फिजिक्स होगा. तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैक्रोस्कोपिक डोमेन में चार ब्रांचेस को रखा गया है और आखिरी मॉडर्न फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में रखा गया है, डोमेन में रखा गया है. तो एक एक करके पहले इसको इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि असल में आप 11th में किस चीज़ों को डील कर रहे हैं, आगे क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस तरह से इसको पढ़ना है. अब जैसा कि पहला मैक्रोस्कोपिक की बात करें, तो पहला इसका जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स मीन्स आप बॉडी के ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हो. यहाँ पे ये खुद में भी तीन भागों में डिवाइडेड है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये बेस्ड है पूरी तरह से न्यूटन्स लॉज मोशन पे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट पे, और इसके एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो. तो ये मैकेनिक्स का जो पूरा हिस्सा है, 11th में आप सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स वाले चीज़ को पढ़ते हो. यूँ कहें कि पूरा का पूरा मैकेनिक्स आपके 11th 12th के बेस में 11th में ही है. दूसरी चीज़ें करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना को पढ़ते हो, यानी चार्ज के स्टैटिक रहने पे, मूव करने पे और अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने पे जो जो प्रॉपर्टीज आती है आप उसको पढ़ते हो. तो इस चीज़ की अगर हम बात करें तो क्लास 12 की पहली बुक यानी शुरुआत के 7-8 चैप्टर पूरी तरह से इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही हैं. यानी 12th का एक पूरा बुक, जो दो बुक्स में जैसा कि आप जानते हो फिजिक्स डिवाइडेड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो पहली बुक आप पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही पढ़ेंगे. तीसरा आपका ऑप्टिक्स है, जिसमें आप लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, ये भी आपको क्लास 12 में ही पढ़ना है. चौथा आपका थर्मोडायनामिक्स है, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब मोशन, तो यहाँ पर आप हीट के मोशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हो. तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स आपके पूरे 11th को ये दो ब्रांच फिजिक्स के कवर करते हैं. थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके मॉडर्न फिजिक्स के भी हो सकते हैं, होते हैं. तो इस तरह से आप देख पा रहे हो 12th में आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स को पूरी तरह से डील करोगे. यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आपका पांचवा ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में होता है. तो ये आपके कुल पांच इंपॉर्टेंट ब्रांच थे जिसमें पूरे के पूरे फिजिक्स को डिवाइड कर दिया गया और इसी के अकॉर्डिंग इसकी पढ़ाई होती है. अब हम आगे चलते हैं जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं. तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ों को आपको नोट डाउन करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कंपिटेटिव एग्जाम्स में. तो ध्यान दें, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए. जैसे टेक्नोलॉजी और उसके बेसिक प्रिंसिपल दिख रहे होंगे, पहला आपका स्टीम इंजन, जिसका बेसिक प्रिंसिपल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. इसी तरह से रॉकेट प्रोपल्शन यानी रॉकेट का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे है. एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स पे है. इसी तरह से सोनार का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी आप आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, लेकिन इनके प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. तो
तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करते चलिए, सोनार का आपका रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स है बेसिक प्रिंसिपल, फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है, इसी तरह से कुछ बेसिक जैसे इसमें से अगर हम ध्यान दें तो ये चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रिंसिपल्स, ये आपको आपके साइड बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे। तो अपने नोट्स में आप इस पूरे प्रिंसिपल को ज़रूर नोट डाउन करिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। इसी तरह से कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जैसे आपके बेसिक तौर पे कुछ ग्रेट फिजिक्स साइंटिस्ट का उनके मेजर कंट्रीब्यूशन और उनके देश का कंट्री का ओरिजिन भी दिया हुआ है, तो ये भी चार्ट आपको आपके साइड बुक से अवेलेबल हो जाएगा। इस चीज़ को भी अपने आप नोट्स में पॉइंटेड आउट करिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल, गैलीलियो गैलीली का प्रिंसिपल, न्यूटन्स का प्रिंसिपल, उनसे रिलेटेड उनके कंट्री, तो ये दो चीज़ें आपको आपके नोट्स में ज़रूर रखना चाहिए। आगे हम नए टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो हमारा जो नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखिए फंडामेंटल का क्या मतलब है और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का क्या मतलब है, तो हमारे आसपास जितनी भी तरह की फोर्सेस हैं, जितनी भी तरह के चीज़ें हो रही हैं, उन सभी चीज़ों के उन सभी फोर्सेस को बेसिक चार इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो चार फोर्सेस आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कुल चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस में सारे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हालांकि ये चीज़ें धीरे धीरे अलग अलग उसमें आप पढ़ते जाएंगे, यहाँ पर बस आपको इनके कुछ बेसिक चीज़ों को ही जानना है। जैसा कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़े भी हो नाइन्थ में, तो इनकी एक बेसिक डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड कुछ सैलियंस फीचर्स का नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके इनकी प्रॉपर्टी और इनके बेसिक फीचर्स आते हैं। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके सैलियंस फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके कुल सात डिफरेंट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेज, दे एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। बिना उसके साइज को ध्यान में रखते हुए ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है और ये माइक्रोस्कोपिक के साथ साथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को भी में एग्जिस्ट करता है, बिना उसके शेप, बिना उसके साइज, बिना इंटरवीनिंग मीडियम को ध्यान में रखते हुए। दीज फोर्सेज आर नेवर रिपल्सिव, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता। दूसरे प्रॉपर्टी पे बात करें तो दीज आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो जैसा कि अभी आपने चार इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखा, उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर फोर्स इसे ही माना जाता है। लास्ट में हम लोग चारों फोर्सेस के बीच में रिलेशन भी देखेंगे, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी, दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, स्पेशली वेन द ऑब्जेक्ट्स, वेन द बॉडीज आर मैसिव। तो बहुत दूर दूर की चीज़ों को भाई देख रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब हर जगह माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अवेलेबल एग्जिस्ट करता है कुछ हद तक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह हैं, आप जानते हो कितनी दूर दूर वो चीज़ें होती हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है इसी वजह से तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर पा रहा है। इसके फीचर्स के बाद में जब आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आप इस चीज़ को और भी अच्छे से समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ें इससे कोरिलेट करके एग्जांपल्स में आएंगी। जैसा कि अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एग्जांपल होगा वो मोशन ऑफ द मून्स अराउंड द सन एंड दैट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो ये देख रहे हो आप कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के एक्चुअल कंट्रोल को भी यही फोर्स कंट्रोल करता है। मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग ऑन अर्थ, अर्थ पे किसी भी चीज़ का गिरना इसी फोर्स के कारण है। फीलिंग ऑफ वेट, तो ये कुछ तीन
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं हम इसके चौथे प्रॉपर्टीज पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी दो बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स घटेगा इसका मतलब उन दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। पांचवा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, यानी ये दो बॉडीज के बीचों बीच एकदम सेंटर पे लगने वाला फोर्स है, यानी जब ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को ये फोर्स लगाएंगे तो पहली बॉडी दूसरी को और दूसरी बॉडी पहले को बिल्कुल अपने सेंटर पे अट्रैक्ट करेगी, ना कि इधर उधर। छठवीं प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, जो कि आपको आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे फोर्सेस जिनका ओवरऑल वर्क डन पूरे होल उसमें जीरो हो, और ऐसे फोर्सेस जो जिनका पाथ पे डिपेंड ना करते हो, स्टेट पे डिपेंड करते हो, यानी कि इनिशियली कहाँ से चले और फाइनली कहाँ पहुँचे इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हो, बीच में कितने तरह के डिफरेंट पाथ्स को एक्वायर किया उस बेसिस पे ना डिपेंड करें। ये पूरी तरह से रिवर्सिबल होते हैं, इनके द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल होगा, इसमें एनर्जी का किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जितने भी वर्क होंगे उसमें किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं माना जाता, यानी यहाँ पर पूरी तरह से मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट शो करता है, यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के ही कॉन्सेप्ट पे आप डील करते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का 6-7 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊंगा। सातवां प्रॉपर्टी जो इसका बेसिक क्वांटम पार्टिकल है, यानी बेसिक लेवल पर जो इसका पार्टिकल है उसे ग्रेविटॉन कहते हैं। तो ये कुल आपके 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज विथ एग्जाम्पल मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाया। थैंक यू।